उमर गौतम साहब 90 के दशक में बटला हाउस में रहने के लिए आए थे। इन्होंने जोगाबाई बटला हाउस जहाँ ख़त्म होता है, जोगाबाई शुरू होता है, वहाँ अपना मरकज़ खोला। तो उसके मकासद इतने अच्छे थे कि हम लोग सब उनसे इम्प्रेस थे। ये नए नए कन्वर्ट होके आए थे मौलाना उमर गौतम साहब। मैं मौलाना गौतम साहब को तकरीबन 2004 से जानता हूँ। मैं जब वो यहाँ पर आए थे ओखला में, जोगाबाई में उनका एक फ्लैट था छोटा सा, उसमें रहते थे। साथ ये जो धर्म परिवर्तन का और ये जो किया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना उमर गौतम साहब इस तरह के नहीं हैं। इस्लाम तो एक शांतिपूर्वक मज़हब है, इसमें ज़ोर दबस्ती का कहीं भी मामला नहीं आया इसके अंदर। उमर गौतम साहब के उससे लोग बहुत इम्प्रेस थे। नए बच्चे जो मदारिस से दूर थे वो भी मदारिस से जुड़ रहे थे कि उनको मॉडर्न एजुकेशन साथ साथ में इंग्लिश पढ़ने का मौका मिल रहा था। उमर गौतम साहब 90 के दशक में बटला हाउस में रहने के लिए आए थे। इन्होंने जोगाबाई बटला हाउस जहाँ ख़त्म होता है, जोगाबाई शुरू होता है, वहाँ अपना मरकज़ खोला। उस मरकज़ के मकासद इतने अच्छे थे कि हम लोग सब उनसे इम्प्रेस थे। ये नए नए कन्वर्ट होके आए थे मौलाना उमर गौतम साहब, और इंग्लिश पे कमांड था इनको। इन्होंने मदारिस से और मदरसों से, मस्जिद से जो हाफिज़ थे उनको इंग्लिश पढ़ाने का एक इंस्टीट्यूशन कायम किया था, और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारे लोग जो हमारे आलिम इंग्लिश से नावाकिफ थे, वो सब इंग्लिश सीख गए, इंग्लिश में बात करने लगे, इंग्लिश से पढ़ने लगे। तो नए लोगों में बहुत एक इंस्पिरेशन थी कि हम भी हाफिज़ बने और इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में सीखें। उससे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे थे। ये धीरे धीरे उनका स्कोप इतना बढ़ गया कि वो दिल्ली से बाहर उन्होंने हर जगह इसकी ब्रांचेस खोली। अब उनके साथ ये जो धर्म परिवर्तन का और ये जो किया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना उमर गौतम साहब इस तरह के नहीं हैं। हमारा संविधान हमें राइट देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने धर्म की अच्छाइयाँ दूसरे धर्म वालों को बता सकते हैं, दूसरे धर्म वालों को कन्विंस कर सकते हैं। अगर वो हमारी बात से कन्विंस होता है, वो होता है, इम्प्रेस होता है, तो इस्लाम उनको दावत देता है कि आप हमारे इस्लाम मज़हब को अपनाइए और इससे इस्लाम मज़हब को अपनाइए। तो इस तरह का कोई भी एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाया गया है सरासर गलत है। हम इसके कंडेम करते हैं। ये यूपी इलेक्शन की वजह से पोलराइज करने के, उसे हिंदू वोट्स को पोलराइज करने के लिए किया गया हुआ कदम है, और ये बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाती रहती है। इन मुद्दों को अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक हवा देते हैं, जो एक्चुअल में कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर भाषण दे के दूसरे पक्ष को मजबूत कर देते हैं। उमर गौतम साहब के उससे लोग बहुत इम्प्रेस थे। नए बच्चे जो मदारिस से दूर थे वो भी मदारिस से जुड़ रहे थे कि उनको मॉडर्न एजुकेशन साथ साथ में इंग्लिश पढ़ने का मौका मिल रहा था। जब हमारी कौम पढ़ती है तो दूसरे लोगों को देखा नहीं जाता। वो उससे कहते हैं कि इनको तो सिर्फ पंचर लगाने या नहारी बेचने तक ही सीमित रहना था, ये पढ़ कैसे रहे हैं। यही आज़म खां के साथ हुआ है। उन्होंने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बना दी तो वो सबकी आंखों में खलने लगी। तो ये उमर साहब और गौतम साहब की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है। गौतम साहब हाफिज़ों को पढ़ा के मेन स्ट्रीम लाइन में ला रहे थे, और आज़म साहब आम पब्लिक के लिए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि हमारी कौम वालों से बर्दाश्त नहीं हुई और यूपी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि अभी करीब इन्होंने 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। आप 1,00,000 आदमियों को धर्म परिवर्तन कराएं, लेकिन उसको पहले आप वेरीफाई तो कर लेना कि ज़बरदस्ती करा दें। धर्म प्रचार प्रसार से अगर कोई आदमी इम्प्रेस हो रहा है, इस्कॉन टेम्पल वाले करते हैं, अपनी गीता बांटते हैं, हमने भी लिए गीता, आदर करते हैं गीता का हम, दूसरे लोग क्रिश्चियन मिशनरी करती है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से किया गया हो, लालच दे के किया गया हो, धमका के किया गया हो, तो इल्ज़ाम बनता है। आप इम्प्रेस करके, मेरे चाल चलन अच्छा है, मुझे देख के 10 आदमी अगर उससे सहमत हो रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है किसी चीज़ को। प्रचार प्रसार करने में हमारा संविधान बिल्कुल खुलेआम इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार अच्छी तरह से करिए, अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, शो कीजिए। लेकिन ये उमर गौतम साहब के साथ जो कुछ किया गया है बिल्कुल गलत है। आपने पहले ही उनको आरोपी बना दिया। अभी आप देखिए कि कितने कितने लोग मुलजिम 20-20 साल के बाद में बरी होके आ रहे हैं, उनकी पूरी जीवन ख़राब हो गया। आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपने पहले ही आतंकवादी बना दिया उनको। उमर गौतम साहब को आपको इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी करते हैं, उनके खिलाफ़ ठोस सबूत मिलते तो आप उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए कि भाई तुमने धर्म परिवर्तन कराया है, गलत है। धर्म परिवर्तन ज़ोर ज़बरदस्ती से कराना, पैसे का लालच देके कराना या बदमाशी से कराना गलत है। ईसाई धर्म वाले करते हैं, वो भी
अपने इंप्रेस करके ही करते हैं। दलित को इतना उत्पीड़न किया गया कि दलित कन्वर्ट हो गया आपके उसमें आ रहा है, हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। मुसलमान तो सुबह कमाता है शाम को खाता है, उसको दूसरे दिन की परवाह ही नहीं रहती, उसके पास ना तो पैसा होता है ना कुछ है कि वो किसी को लालच का देगा। तो अच्छाई से अगर कोई आदमी इंप्रेस होकर के धर्म अपना रहा है तो वो मेरी नज़र में कोई बुरा नहीं है। कोई भी धर्म, हिंदू धर्म के भी कोई अच्छाई किसी को लगती है। बहुत से लोग हिंदू कन्वर्ट हुए, हमारे दोस्तों की लड़कियों की शादी हिंदुओं से हुई है। अभी बटला हाउस में ये हैं उनके हुई है, मेरे दोस्त थे शुएब रूमी उनकी बेटी की हुई, कई लोग हुए, 50 लोगों की हुई है। तो इस तरह से नहीं है। उमर गौतम साहब के साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं। और यूपी पुलिस, साथ में यूपी सरकार, मोदी सरकार और तमाम सरकार से अपील करते हैं कि उसकी निष्पक्ष होकर जाँच करें और इससे उमर गौतम साहब के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम को ख़त्म करें। और अगर उनके ऊपर कोई इंक्वायरी के बाद में कोई आता है तो उनके जो कानूनी भारतीय संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी सज़ा होती है वो दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं मौलाना गौतम साहब को तकरीबन 2004 से जानता हूँ। मैं जब वो यहाँ पर आए थे ओखला में, जोगाबाई में उनका एक फ्लैट था छोटा सा, उसमें रहते थे। किसी साहब ने मेरे को मिलवाया कि भाई ये मौलाना गौतम है, बहुत ही काबिल इंसान है, और जो लोग मस्जिदों में या कुरान शरीफ या मौलवी या हाफिज़ कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उनके लिए उन्होंने एक इंग्लिश सिखाने का कि भाई उनको इंग्लिश भी सिखाया जाए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ चला जाए। तो इस तरह का काम करते हैं जिसका जब हमने सुना तो हम बहुत खुश हुए, चलो भाई एक जागृति पैदा हो जाएगी मुस्लिम कौम में कि ये कुरान शरीफ मौलवी तक सीमित न रहे और ये कुरान शरीफ वो कंप्यूटर और तुम्हारी इंग्लिश ये सीख जाए और हमारी कौम जो एक जागृत हो जाए आगे बढ़े। तो इनको जब से जानता हूँ उसके बाद जो मौलाना के साथ अब मैंने सुना कि के साहब इस तरह से उनको इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मुझे तो खैर लगता नहीं इस तरह से कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मैं तो कह नहीं सकता। और धर्म परिवर्तन का मतलब ये कि साहब ज़ोर ज़बरदस्ती करा रहे हैं, पैसा दे के करा रहे हैं, इस तरह की नॉलेज तो मेरे कोई है नहीं और ना मुझे कोई लगता है इस तरह का। मैं तो यही है गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट हो या दिल्ली पुलिस हो या दिल्ली सरकार हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक बार उनकी सही से इंक्वायरी करा ली जाए। अगर वाकई में दोषी पाए जाते हैं वो, उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और नहीं है तो फिर उनको बरी कर देना चाहिए। अब हमारे लोकल नेता जो इंटरनेशनल नेता बनना चाहते हैं, हमारे विधायक जी हैं, दूसरे लोग हैं, वो भाई फेसबुक व्हाट्सएप पे बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं। भाई आप लोग पहले हाई अथॉरिटी से बात करें, चीफ मिनिस्टर यूपी से बात करें, योगी जी से बात करें, एसएसपी गाज़ियाबाद से बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो भी उनके टच में है एमएलए साहब के, उन लोगों से बात करें कि भाई मौलाना गौतम जो है ये नाजायज़ फंस रहे हैं या जायज़ फंस रहे हैं, उस तरह से बात करें उनसे। अगर जायज़ है वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया पैसे दे के ज़ोर ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ गलत है। वो धर्म का प्रसार करना कोई इसमें, हमारे संविधान भी कहता है इस चीज़ को, अगर उन्होंने इस तरह से किया है ज़बरदस्ती किया तो उनको सज़ा दी जाए। और वैसे तो हर आदमी को, हर धर्म को इजाज़त है कि वो धर्म का अपने प्रचार करें, क्रिश्चियन भी करते हैं, दूसरे और लोग भी करते हैं। तो मुझे लगता नहीं, बाकी ये है कि सरकार इस चीज़ को देखेगी और इंक्वायरी की जानी चाहिए। ये जो यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं उसकी तैयारी लग रही है आपको? नहीं, मैं तो खैर इस बारे में नहीं कह सकता कोई क्या है, इलेक्शन है या इलेक्शन की तैयारी है। मैं तो सिर्फ इतना मुद्दा जानता हूँ कि अगर वो गलत हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी सरकार को और हमारे जो भी कोर्ट वगैरह हैं, जो भी इसकी इंक्वायरी सही तरीके से करी जाए कि ये वाकई में से मुलविस हैं, शामिल हैं गलत हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एकदम नहीं करना चाहिए कि साहब इन्होंने धर्म वर्तन पर कराया, इससे बड़ा जोर पड़ता। मैं भी खुद इस्लाम का मानने वाला, मैं भी मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, तो कहीं इस्लाम में इस तरह से आया नहीं है कि भाई आपके जो ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे हम इस्लाम फैलाओगे, इस तरह के तो है नहीं। इस्लाम तो एक शांतिपूर्वक मज़हब है, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती का कहीं भी मामला नहीं आया इसके अंदर। अब जो लोग फालतू की बात कर रहे हैं गलत बात है। और बाकी मौलाना का ये भाई, मैं उनका कोई वो तो है नहीं कि फॉलोवर हूँ उनका, मैं उनके पास बैठता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। नाम सुना उनका, उन्होंने अच्छे काम किए, मैं इसमें तारीफ कर रहा था। बाकी अब क्या है कि मैं तो 2004 में जानता था, एक बार मुलाकात हुई, उसके बाद मेरी नहीं हुई। अब मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार मौलाना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती कराया, तो मुझे लगता नहीं। बाकी सरकार देखेगी, जूस दल वो बहुत बैठे हुए हमारे, देखेंगे
कि भाई मौलाना क्या है, अगर क्या है गलत तो सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए उनको। घर परिवार के बारे में क्या जानते हैं? मैं किस घर परिवार ने रहते यहीं पर हैं वो, जैसे मैंने सुना है मुझे पता चला कल के खलीलुल्लाह पर ही रहते हैं और उनका उनका कोई फ्लैट है, क्योंकि जब यहाँ रह रहे हैं 2004 से जानता हूँ, उनका छोटा फ्लैट था, बड़ा ले लिया होगा भाई। अब उनका क्या इंस्टीट्यूट कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा, मैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ धर्म परिवर्तन वाला मामला जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ज़बरदस्ती कैसे करा रहे हैं, और कराना भी नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, तो किसी ने कोई हक ही नहीं है ना किसी को इजाज़त है। कहा जा रहा है कि लालच देते हैं, लालच में भी यही होता है कि पैसा देके धर्म परिवर्तन करा दिया, वो भी गलत है, वो भी वो धर्म परिवर्तन करेंगे पैसा लेके वो भी माननीय नहीं है, गलत बात है। हम धर्म कोई सा भी धर्म आप जाएंगे परिवर्तन करेंगे तो उसकी किताबें, उसके मान लो हमारा ये कुरान शरीफ है उसमें क्या लिखा पूरा पड़ोस है, अगर उसका दिल करता है दूसरे का कि भाई कुरान शरीफ में सही लिखा हो, अल्लाह रसूल को मानता तो उसकी मर्ज़ी इस्लाम कबूल कर ले, नहीं करता तो कुछ ज़बरदस्ती नहीं है ना लालच वाला, ये पता नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।